बी राजपूत। भदोही सांसद रमेश चंद बिंद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने देश के किसान, व्यवसाय सहित प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र का बजट में ध्यान रखा है। बजट के दूरगामी परिणाम बेहतर होंगे। इस पर उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बजट सत्र में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में हमारे देश का जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, बजट पेश किया है। आज उस बजट में आप लोग जानते हैं कि देश के हर एक तबका के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। उस बजट में हमारे रोजगार, व्यवसायी के साथ साथ गरीब जनता के एक एक लोगों को लाभ पहुंचा है। अब आप लोगों ने देखे हैं कि जो हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो सोच रही है कि सबसे पिछले वाले तबके को लाभ मिलना चाहिए, तो उसी के तहत देखे हैं बजट में रखा गया। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया गया, लेकिन आज अच्छी तरीके से देख रहे हैं बजट में प्रति व्यक्ति की आय 9 वर्षों में दुगुनी हो करके 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो ये थी भदोही से हमारे संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पूरे दिन के साथ।